देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। आठ महीने बाद सड़ी गली हालत में मिला लड़की का शव। खौफनाक वारदात का हुआ खुलासा। 2 साल लिव इन में रही, 7 मार्च को की शादी, 11 नवंबर को होना था कोर्ट में शादी का पंजीकरण। उसी रात गायब हुई लड़की, पति मामा के लड़के और दोस्त ने की हत्या। पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। नई दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र की रहने वाली नवविवाहित का शव सड़ी गली हालत में पानीपत में रिफाइनरी के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। युवती की कनपटी पर बाईं ओर गोली मारी गई थी। हालांकि मृतका 11 नवंबर के बाद से ही लापता थी, लेकिन उसके लापता की खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन शव मिलने के बाद हत्या का आरोप पति, उसके मामा के लड़के और दोस्त पर है। वहीं परिजनों का आरोप है कि दोनों 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। 7 मार्च को दोनों ने शादी की थी। दोनों को शराब पीने की आदत थी। अब पति ड्रग्स के लिए पैसे लाने के लिए उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। इसके चलते उसकी हत्या कर शव रिफाइनरी के पास फेंक दिया गया। फिलहाल मतलौंडा थाना पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। और थाना जनकपुरी नई दिल्ली पुलिस ने आरोपी पति, उसके मामा के बेटे और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला 3 साल पहले नैसी की दोस्ती जनकपुरी के रहने वाले शाहिल शर्मा पुत्र अश्वनी शर्मा के साथ हुई थी। अश्वनी शर्मा का दिल्ली में कार खरीदने और बेचने का काम है। 2 साल तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे। 7 मार्च को दोनों ने कोर्ट में मैरिज कर ली। 11 नवंबर को दोनों को कोर्ट में शादी का पंजीकरण कराना था, लेकिन इसी रात को नैसी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों को 22 नवंबर को पता चला कि नैसी घर पर नहीं है। उसके सास ससुर भी कोई संतुष्टि जवाब नहीं दे रहे थे, ना ही उसके पति शाहिल का कोई अता पता था। 23 नवंबर को पुलिस में शाहिल और उसके परिजनों के खिलाफ शिकायत दी गई। 25 नवंबर को पुलिस ने शाहिल से गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि उसकी हत्या कर शव को पानीपत रिफाइनरी के पास फेंक दिया गया। पानीपत पुलिस ने शव को बरामद कर मृतका के परिजनों को सूचना दी। हालांकि परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त नैसी के रूप में की। तब तक शव बुरी तरह से सड़ गल चुका था, लेकिन शव के कपड़ों से उसकी शिनाख्त की गई। गौरतलब है कि शाहिल ड्रग्स का आदि था, पूरा दिन ड्रग्स लेता था। अपनी ड्रग्स की इच्छा पूरी करने के लिए नैसी के साथ मारपीट करता था और उसे घर से पैसे लाने के लिए बोलता था। उन्होंने कई बार पैसे दिए, उसके बाद भी लगातार नैसी के साथ मारपीट होती थी। दहेज न देने के कारण नैसी की हत्या कर दी गई। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।